एक दिल हूँ, एक दिल हूँ तो मैं इसी समाज का एक हिस्सा, पर ना जाने क्यों जुदा है मुझ जैसे लोगों का किस्सा। मैं एक दिल हूँ, जब भी आपके घरों में कोई खुशी आती है, जब भी आपके घरों में कोई सहनाई बजती है, जब भी कभी आपके घर में नए बच्चे आने की किलकारियाँ आती है, तो सबसे ज़्यादा खुशियाँ और सबसे दुआएं, ज़्यादा दुआएं देने हम ही आते हैं। फिर भी इस समाज के अंदर हमें क्यों हीन भावना की नज़र से देखा जाता है, क्यों हमको एक अभिशाप समझा जाता है? क्या हम आपकी तरह इंसान नहीं हैं? क्या हमें आपकी तरह जीने का हक नहीं है? कब दिन बदलेगा जब आप में और मुझ जैसे लोगों में ये फर्क मिटेगा? शुरुआत कुछ और भइल है और अंत कुछ और हो गई है, ऐसे हम का बोली हमारे समझे में नहीं खियावत। आपने जो आज का एक्ट किया था फनी भी था, और आपने बहुत सारे स्टेप्स इतने नज़ाकत के साथ किए, बहुत ही खूबसूरती से किए। एंड में जब आपका एक्ट ख़त्म हुआ और आपने वो डायलॉग और मोनोलॉग किया, उससे पता चला कि आपके इस पूरे परफॉर्मेंस का मतलब क्या था। तो आई थिंक आपने अपने परफॉर्मेंस के साथ पूरा न्याय किया है, पूरा जस्टिस किया है, एंड आई लाइक योर परफॉर्मेंस। धन्यवाद सागर। ये जो फॉर्म ऑफ डांस आपने किया है, ये लवंडा नाच है, और आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये बहुत ही परफेक्शन के साथ आपने किया है, बहुत ही बढ़िया किया। ऑल द बेस्ट, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। थैंक यू। जिस तरह आपने एक्सप्लेन किया है, मैं पहली बार रियलाइज़ कर रही हूँ कि ऑफकोर्स हम लोगों को इनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अपन स्थान ग्रहण करें।